ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहाँ पर कई दिनों से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती के पीड़ित छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे किस तरह से यहाँ पर गंदी जगहों पर बैठकर खाना एक वक्त का कैसे खा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या चाहेंगे सरकार से, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, सरकार से ये चाहेंगे जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग दिलाए, जल्द से जल्द हमारा संघर्ष खत्म हो। तो अभी तक आप लोगों का कल ज्ञापन देने का था, तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो क्या हुआ? पिछले 3 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग बीजेपी कार्यालय विधानसभा सीएम आवास घिराव किए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक किसी बड़े अधिकारी या किसी मंत्री ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए आज भी हमारा धरना चल रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, जो ये लोग यहाँ पर, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं काफी परे। आपका नाम? विवेक मिश्रा। आप कहाँ से हैं सर? प्रयागराज। क्या स्थिति है आज, आप लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं और इस तरह से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अगर बारिश हो जाए तो और भी परेशानी हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, फर्क किसको पड़ता है, फर्क किसको पड़ता है, जनता क्यों परेशान होती है? मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप लोग, अगर ये हिंदूवादी सरकार है और हिंदू में अगर हिंदू आदमी परेशान है तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही होगी। क्या आप लोग हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू की बात नहीं है, बात यहाँ धर्म की नहीं है, इंसानियत की है। ठीक है, 4 दिन बीत गए, कोई यहाँ सुध लेने नहीं आया कि हम जिंदा या मर गए। हमारे 2 लोग हॉस्पिटलाइज पड़े हुए हैं। इंसानियत होती तो जरूर आते लोग ना। मैं कह रहा हूँ, हमारे 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हुए हैं गंदा खाना खाने की वजह से। कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास तक घेरा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक भी आला अधिकारी आके ये नहीं बता रहा है कि हमारी मांग केवल इतनी सी है कि महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता और सीनियर काउंसिल कल कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हमारे केस में। क्या इतनी मांग में नहीं पूरी हो पा रही है? और अगर इतनी मांग में नहीं पूरी हो पा रही है सरकार की, तो इसका मतलब है सरकार की मंशा है ही नहीं। सरकार चाहती है ये वहीं मर जाए, क्योंकि वोट बैंक पूरा हो चुका है। उन्हें तब याद आएगी, जो लड़के भी 16 साल के हैं, जो 18 के पूरे हो जाएंगे, तब उनको लैपटॉप और मोबाइल बांट देगी 2027 में। तो अभी तो सरकार 1-1 लाख रुपए डीएम साहब को भी आवंटित कर रही है नवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए, तो आप लोग को नवरात्रि का त्योहार मनाने नहीं जाना चाहिए? नवरात्रि किस बात का मनाए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हम वैसे ही अनशन पे चल रहे हैं, तो वैसे ही हमारी नवरात्रि 4 दिन से चल रही है। सरकार से पैसे की डिमांड करिए, यहाँ पर भी दिया जाए, ताकि आप लोग भूखे तो न सोए। सरकार हमें अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं दे, जो हमारा हक है वो हमें दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमने नौकरी पढ़ के पास की है, संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे हासिल नहीं की है, हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर पास किया है। हमारी नौकरी है 4 साल हो गए, इतनी सुध तो ले लेनी चाहिए। अभी किसी मंत्री के घर में समस्या उत्पन्न हो जाए, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला लिया जाएगा। आप आगे क्या करेंगे अगर नहीं आता है कोई सुनने वाला? ये धरना चलता रहेगा और कल अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम फिर से विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास करेंगे। आप लोग वहां पर गए थे तो पता चला कि आप लोगों को उठाकर यहां फिर से डाल दिया गया कि? हाँ, डाला गया और हमें से कुछ लोगों को ले जाके ओएसडी महोदय से भी मिलवाया गया, मगर ओएसडी महोदय से सिर्फ आश्वासन मिला है और कुछ नहीं मिला। तो आप लोग यहीं पर तब तक डटे रहेंगे जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती? बिल्कुल, यहीं डटे रहेंगे और हमारे लोगों की हर चीज का जिम्मेदार शासन और आयोग होगा, हमें कुछ भी होता है। तो शासन आयोग के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? करेंगे क्या, इस सरकार में कर क्या सकते हैं? आप शांति से बैठ सकते हैं, बस धरना प्रदर्शन आप कर नहीं सकते। अपनी बात रखने कहीं जाएंगे, पुलिस बल आपको भर के यहाँ छोड़ देगा, ये तो जेल है। तो यहाँ आप लोग कब तक रहेंगे फिर? तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, केस निस्तारित नहीं हो जाते और नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लोग, बच्चे परेशान हैं और अब ये लोग कह रहे हैं कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यही इसी स्थिति में मौजूद रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। सर, मेरा नाम संजना है और मैं देवरिया से आई हूँ, कम से कम 450 किलोमीटर से। और सोचिए सर, एक लड़की हो के माँ बाप को कितनी होता है ना कि लड़कियों के टाइम लिमिट होता है पढ़ाई का, कितना टाइम मिलता है, कितना में उसको पढ़ लेना है, ये सब कर लेना है। ऊपर से हम लोग 5 साल हो गए जॉब लेके, और इतनी सारी डिग्रियां ले लो, जॉब ले लो, बाकी तो
कितनी हम लोग प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, सामाजिक मानसिक आर्थिक हर चीज से माँ बाप को अलग से झेलना पड़ रहा है। और यहाँ आके हम लोग आंसू सूख गए हैं सर, हम लोग ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं, हम लोग ऐसा हो गया कि अपनी पीड़ा बयां भी नहीं कर सकते। और कहते हैं योगी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं उस योगी जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग बेटी नहीं है देश के? क्या उनके बेटी नहीं है जो हम लोगों की नौकरी नहीं दे रहे, नियुक्ति नहीं दे रहे? हम लोग सिलेक्टेड होके यहाँ पे, हम लोग को यहाँ धरने करने का उम्र है, हम लोगों को माँ बाप के लिए कुछ करने का उम्र है, लेकिन हम लोग यहाँ धरने कर रहे हैं। ये माँ बाप पेट काट काट के हम लोग पढ़ाए हैं कि जाओ पढ़ा दें ताकि बेटी या कुछ करे, लेकिन हम लोग को यहाँ कुछ, या हम सरकार से यही मेरी पूछना चाहते हैं, आखिर हम लोग का कसूर क्या है, हम लोग क्यों यहाँ धरना दें? हम लोग तो सिलेक्टेड है, हम लोग को क्यों रोका गया है? अरे 90% पे आर्डर आया है, 100% पे आर्डर आया, जब सरकार को करना ही नहीं है भर्ती तो निकालती क्यों है? हम ये पूछना चाहते हैं, आप ये बात सरकार तक पहुँचाइए।